हेलो गाइस, वेलकम टू ए स्प्रिंग। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए न्यू ड्यूक 390, जिसमें करने जा रहे हैं कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व। बट दोस्तों मैं इससे पहले आपको बता दूं, हेडलाइट यूनिट जो एक प्रॉब्लम आती है बाइक के अंदर, इस बाइक इसके ऊपर काम किया जा रहा है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। और किस तरीके से किया जाएगा, स्टेप बाई स्टेप कैसे चला जाता है, वो इस सारा का सारा मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो जरूर करें। और साथ में दोस्तों अगर मेरा पहली बार आप चैनल देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ में दोस्तों बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आज हमारी जो ये वीडियो बन रही है, एक बन रही है KTM ड्यूक 390, जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे होली फेलियर आ रहा है। यानी कि क्या होता है, होली फेलियर का मतलब होता है हेडलाइट यूनिट। और देख सकते हो जैसे कि हेडलाइट यूनिट अगर फेलियर आ रहा है, होली फेलियर आ रहा है, तो उससे क्या दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ होता क्या है वो होली फेलियर। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये डिस्प्ले में, यहाँ पे मीटर में आता है HLU फेलियर। और ये क्यों आता है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूँगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ इसके आने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं ये इंडिकेटर दूंगा और यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब जैसे ऐसे लगेगा काम कर रहा है इंडिकेटर, बट काम नहीं कर रहा होता। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो यहाँ पे इंडिकेटर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, और दोनों इंडिकेटर काम नहीं करते, राइट लेफ्ट। सीधी सी बात है, अगर प्रॉब्लम राइट में तो लेफ्ट में भी रहेगा, जैसे कि आप ये देख रहे हो ब्लिंक कर रहा। और दूसरी बात यह है इसमें कि जो इसके हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट तो अगर 1% हो भी जाती है, और बहुत सी बार होती भी नहीं है। जैसे कि मैं इसको करके देखता हूँ, अभी फिलहाल तो स्टार्ट हो गई है, और कभी कभी तो स्टार्ट भी नहीं होती है। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, कभी कभी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। और जैसे कि अब हो गया, और दूसरी बात मैं इसका आपको हेडलाइट दिखाता हूँ कि हेडलाइट काम कर रही है या नहीं कर रही। यहाँ पे देख सकते हो हेडलाइट काम नहीं करती। दोस्तों जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है होली फेलियर की, करते हैं उसको सॉल्व। मैंने आपको बताया अगर आता है तो सबसे पहले जो हमारा ये जो वायर होती है ना यहाँ पे, ये क्या होता है, हम राइट लेफ्ट ऐसे और ये इस तरीके से जब खींचते हैं तो यहाँ पे खिंचाव आता है, जिसकी वजह से एक वायरिंग जो होती है वो डैमेज हो जाती है। वो कौन सी वायरिंग है वीडियो के अंदर मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी टेपिंग यहाँ से उतारते हैं, और जैसे टेपिंग उतारेंगे वैसे ही हम लगा देंगे। हम उतारते हैं इसकी टेपिंग। तो टेपिंग जैसे कि आप देख रहे हो, तो जैसे कि आपको दिखा दूं मैं, ये देखिए ये ब्लैक तार है जो कि कहाँ ये आती है ECU से। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, इसका काम है जो हेडलाइट को, इंडिकेटर को और हॉर्न को अर्थ देना। मतलब अगर ये अगर आपका नेगेटिव नहीं पहुँचेगा वहाँ तक, आपका पॉजिटिव पहुँचा हुआ है बट अगर नेगेटिव नहीं पहुँचता है तो उसके कारण आपका इंडिकेटर नहीं चलता है, हेडलाइट नहीं चालू होती और हॉर्न नहीं बजता। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से ये डैमेज हो जाता है। क्यों डैमेज हो जाता है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ये डैमेज क्यों हो जाता है। हाँ तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये वायर यहाँ से यहाँ टूटी थी। तो दोस्तों अगर मैं भी ये सेम काम कर देता, जैसे इसको यहीं जॉइंट कर देता, तो क्या होता, फिर से हैंडल मोड़ते और फिर से डैमेज हो सकता था, फिर से टूट सकता था, जॉइंट हट जाता और फिर वही होली फेलियर वगैरह सेम प्रॉब्लम फिर से आ जाती। तो उससे बचने के लिए क्या किया है मैंने, इसके अंदर यहाँ से एक सेम इसकी तरह ही ये वायर थोड़ा सा बड़ी कर दी है, ताकि जो हमारा टर्निंग पॉइंट है जो घूमे थोड़ा सा अंदर स्पेस रहे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये वायर मैंने इतनी लंबी कर दी है, और इसको मैं टेप कर दूंगा ताकि अगर खिंचाव हो तो वायरिंग हमारी डैमेज ना हो, टूटे ना, अलग ना हो जॉइंट। तो दोस्तों तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने वो वायर जोड़कर उसके ऊपर लगा दिया टेप। जैसे ही फिनिशिंग थी वैसे ही फिनिशिंग रख दी है, कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं काम किया, प्रॉपर ढंग से काम हो चुका है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था वो वायर किस लिए बड़ी करी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों जैसा कि ये कंपनी ने करा काम, बट इसके साथ अगर हुक दे देता ना तो ये वायरिंग के डैमेज की प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकती थी, अगर एक हम छोटा सा हुक दे देते। ये हुक ना देने का रीज़न है जिसकी वजह से ये हमारी वायर टूट रही है। और ऐसा नहीं है इसी बाइक में, काफ़ी बाइकों में मेरे पास D390 आती रहती हैं, जिनके अंदर काफ़ी बाइकों में ये वायर मैं पहले भी कर चुका हूँ, बट मैंने सोचा इस बार क्यों ना आप लोगों तक ये मैसेज मैं पहुँचाऊँ कि ये प्रॉब्लम है इस बाइक के अंदर, जो कि इसकी वायर टूट जाती है। अगर आपकी किसी बाइक में होली फेलियर आ जाता है तो वो अपने मतलब वो हमारे पास आ सकते हैं। और ये इस काम के लिए कंपनी 4-5 दिन के लिए गाड़ी रख लेती है इस काम के लिए। और दोस्तों ये जैसा कि ये काम हमारे पास जल्दी से हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो जैसा कि मैं टेपिंग कर चुका हूँ, तो आइए मैं अब आपको मीटर के अंदर दिखाता हूँ कि होली फेलियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों जैसे कि मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ कि होली फेलियर चला गया या नहीं चला गया। तो दोस्तों करते हैं इसकी चाबी ऑन, और अभी हम देखेंगे इसके डिस्प्ले में। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे होली फेलियर जो आ रहा था अब नहीं आ रहा, और अब देखते हैं इसके इंडिकेटर, हॉर्न, हेडलाइट सब काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये देख सबसे पहले देते हैं इसका इंडिकेटर, और जैसे कि आप देख सकते हो ये देखिए
इंडिकेटर ये वाला भी चल रहा है और ये वाला भी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम इसकी हेडलाइट करते हैं चेक, और हेडलाइट करने के लिए तो हम सामने जाएंगे, उससे पहले कर लेते हैं हॉर्न चेक। तो दोस्तों हॉर्न में भी करंट आ चुका है, हॉर्न भी चालू हो चुका है, और अब चेक करते हैं इसकी हेडलाइट। तो हेडलाइट चेक करने के लिए करते हैं एक बार बाइक स्टार्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हेडलाइट अपनी ऑन है, इंडिकेटर भी हॉर्न भी सब कुछ चालू है।